वेलकम बैक टू माय चैनल। आज निफ्टी का एक्सपायरी था, बहुत ही बेहतरीन हमें ट्रेड मिला है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल से नए चैनल पे नए हो तो ये मेरे चैनल का इंटरफेस है गोल्डन बुल्स, जिसे आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हम डेली लाइव एनालिसिस भी करते हैं, लाइव मार्केट में ट्रेड देते हैं। सॉरी। तो अगर आप पहली बार अगर चैनल पे जुड़े हो, ये वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। चलिए आज देखते हैं हमने क्या ट्रेड किए थे और हमारा क्या ट्रेड प्लान था आज के लिए। तो जैसे मार्केट ओपन हुआ सुबह 9:06 पे हमने ये लेवल्स मार्क करके दिए थे। जब प्री मार्केट ओपनिंग हुआ था तो बैंक निफ्टी यहाँ पे खुल रहा था और निफ्टी जो है बिल्कुल हमने ये जो लेवल मार्क किया था, इसका जो लेवल्स मैंने अपर साइड के जो निकाले थे वो 30 नवंबर को या 1 दिसंबर का जो एनालिसिस वीडियो था, इसमें मैंने ये पूरे जो मार्किंग किए हुए लेवल्स है ये मैंने मार्क किए थे। कम से कम 15 दिन पहले मैंने ये लेवल मार्क करके रखे हुए थे। तो देखते हमें ट्रेड कौन से मिले थे आज। तो 9:37 को मैंने ये 21,000 का सी मैंने ले करने के लिए बोला था, और जिसका बाइंग प्राइस था 125 से लेके 130, एसएल इसका सिर्फ 5 से 10 पॉइंट का था। जब वो एक्टिव हुआ तो उसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें टारगेट्स दिए, ज़बरदस्त प्रॉफिट हमें इस पहले वाले कॉल में हुआ था। सेफ कैन बुक रिस्क होल्ड मैंने ये वाला 950 को डाला था मैसेज अपने टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे 35 पॉइंट्स रनिंग चल रहे थे, जिसके बाद में ये 48 पॉइंट्स भी हमें दिखा दिया था एक बार। तो जब हमने उसको बुक करने के लिए जब बोला था तो 125 से लेके 179 हमने यहाँ पे बुक कर लिया था। और सेकंड ट्रेड अगर देखेंगे तो 21,050 का सी मैंने दिया था 70 से 75 रुपीज़ का, जिसका एसएल 60 का था, 10 से 12 पॉइंट का एसएल था। इसने भी जब एक्टिव हुआ तो इसने भी लगभग हमें 30 पॉइंट्स रनिंग चल रहे थे जब मैंने ट्रेड दिया था, और जब सेफ बुक करने के लिए जब मैंने बोला था, तो यहाँ पे फुल प्रॉफिट बुक करने के लिए मैंने बोला था जब 73 से 120 गया था, हालांकि इसके ऊपर भी गया था वो। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, इसने लगभग हाई जो है 160 का हाई लगाया था, 160 का उसने हाई लगाया था। उसके बाद में हमने ये ज़ीरो हीरो कॉल दिया था, जो कि 21,200 का जो कॉल राइटर था वो शॉर्ट कवरिंग हो जाएगा, ऐसा मेरा एनालिसिस था, लेकिन वो हुआ नहीं। फिर भी इसने हमें 10 से 12 रुपए मैंने बाइंग दिया था, जिसका एसएल 4 रुपीज़ रखा था। तो 10 रुपए पे जब एक्टिव हुआ तो इसने 6 पॉइंट हमें गेन दिखाया था, लेकिन टाइम डिके की वजह से ना बाद में एसएल हिट हो गया। तो चलिए, अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं अभी तक, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पे राइट हैंड कॉर्नर में जो छोटा सा आपको क्यूआर कोड दिख रहा है, इसे आप मोबाइल से स्कैन करके भी आप मेरे चैनल से, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए निफ्टी का देख लेते हैं, आज निफ्टी ने क्या किया और कल निफ्टी क्या कर सकता है। तो कल के एनालिसिस वीडियो, ये डेली वाला कैंडल है, डेली टाइम फ्रेम का, ये जो कल मैंने एनालिसिस वीडियो जो मैंने बनाया था, तो इसमें कल ही मैंने बोल दिया था कि ये एक बुलिश कैंडल मुझे दिख रहा है। तो आज लगभग मार्केट ने 184 पॉइंट्स का गैप अप, ह्यूज गैप अप के साथ में ओपनिंग हुआ जब मार्केट का, तो हमारा जो लेवल्स था, जो लेवल था मेरा ये ऊपर का 21,100 का, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, कि मैंने हाइड करके रखा है, मैंने लेवल्स ऑलरेडी मार्क करके रखे हुए हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये वाला जो मेरा लेवल था, ये जो मैंने एनालिसिस वीडियो था, कम से कम 15 दिन पहले ही मैंने ये वाले लेवल्स निकाल के रखे थे। ये वाले जो जितने भी आपको लेवल दिख रहे हैं, ये पूरे मार्किंग आपको 30 नवंबर या 1 दिसंबर का जो एनालिसिस वीडियो है उसमें आपको ये लेवल्स मार्क किए हुए दिख जाएंगे। आप वो वीडियो जो है मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगा,
या आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगा उसका, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये वाला हमारा टारगेट आज अचीव हो गया है और निफ्टी ने अच्छी खासी क्लोजिंग दी है। और नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा हमारा, मैंने जो एक एनालिसिस वीडियो बनाया था वीकली टाइम फ्रेम का, वीकली एनालिसिस जो है मेरा, वो भी वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने ये वाले टारगेट्स आगे आने वाले दिनों के लिए दिए हुए हैं। जो 21-22,000 का जो टारगेट है, ये भी लग रहा है कि आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं कल के लिए कौन से इम्पोर्टेंट लेवल होने वाले हैं। तो आज देखेंगे अगर मार्केट ने गैप अप होके ऊपर की साइड में आज क्लोजिंग दिया है, अच्छा खासा बुलिश साइन मार्केट ने दिखा दिया है, तो हमने ये यहाँ से लेके ये वाला एक रैली पकड़ा था, उसके बाद ये यहाँ से लेके ये वाला रैली हमने पकड़ा था, दो ट्रेड हमने किए थे आज। सॉरी गला खराब है। तो कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल हमारा होने वाला है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और नीचे आने की कोशिश करता है, तो हम ये जो आज का ओपनिंग प्राइस है इसके नीचे ही मार्केट को शॉर्ट करेंगे। तब तक शॉर्ट का कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे क्योंकि मार्केट अभी बुलिश साइन दिखा रहा है, मार्केट पूरा बुलिश है। तो इस ओपनिंग के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करने लगे 21,000 या आप 21,100 का ही लेवल पकड़ लीजिए, 21,100 के नीचे अगर कोई ट्रेड करने लगता है मार्केट, कोई 15 मिनट कैंडल अगर अगर क्लोजिंग देती है, तो हम ये जो गैप फिलिंग है ये देख सकते हैं नीचे की साइड के लिए। अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्टली गैप अप ओपन होके गैप अप ही वो ओपन होता है, तो इसके ऊपर हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, उसके टारगेट जो है लेवल्स जो है लाइव मार्केट में अपडेट दे दूंगा मैं। अगर फ्लैट ओपन होके भी मार्केट यहाँ पे अगर कहीं पे 15 मिनट्स में अगर रिजेक्शन कैंडल कोई बनाता है, तो भी हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन वो स्कैल्पिंग के लिए रहेगा, उसके ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं होंगे। तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे की साइड में अगर निकलने की कोशिश करता है, तो ये वाला जो स्विंग लो है ये 21,140 का, तो ये वाला हमारा स्कैल्पिंग के लिए टारगेट रहेगा। अगर उसके नीचे भी मार्केट आने की कोशिश करेगा, तो ये ओपनिंग प्राइस जो है मार्केट का या ये आज का जो डेलो है, ये हमारे स्कैल्पिंग के लिए टारगेट हो सकते हैं। और चलिए आप देखते बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी अगर देखेंगे, बैंक निफ्टी का भी मैंने जो अपर साइड के टारगेट है, ये वाले टारगेट निकाल के रखे हुए हैं, ये भी मैंने एनालिसिस कम से कम 15 दिन 12 दिन के पहले मैंने ये वाले लेवल्स निकाल के रखे, मार्क करके रखे हुए हैं, आप पिछले वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो 48,163 का ये मेरा एक टारगेट है, जो कि ये वाले टारगेट भी मैंने मार्क करके रखे हुए थे, जो कि अचीव हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट वीक या कल हमें ये वाला टारगेट देखने मिल सकता है, अगर मार्केट बुलिश दिखाता है तो, मार्केट अगर बुलिश साइन दिखाता है तो। पहले एक बार डेली में देख लेते हैं कैंडल कैसा फॉर्मेशन हुआ है। तो डेली में अगर देखेंगे मार्केट गैप अप ओपन होके मार्केट ने अच्छी खासी क्लोजिंग दी है, लेकिन ये बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो है निफ्टी की कंपेयर में थोड़ी सी वीक दिख रही है। तो 15 मिनट में देख लेते हैं एक बार, जिस तरह से निफ्टी ने बुलिश साइन दिखाया था क्लोजिंग के टाइम में, वैसे बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा नीचे के साइड में क्लोजिंग दिया है, तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक लग रहा है। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है और आज के डे आई के नीचे अगर ट्रेड करने लगता है, तो ये वाला बैंक निफ्टी में भी ये वाला गैप फिल हो सकता है, तो हम नीचे के साइड में ये वाला टारगेट देख सकते हैं, जो कि फर्स्ट टारगेट रहेगा 47,587 का, सेकंड टारगेट रहेगा, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, एक मिनट इसे मार्क कर देता हूँ मैं, ये वाला हमारा रहेगा फ्लैट ओपन होके अगर नीचे आने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट रहेगा 47,589 का, उसके बाद सेकंड टारगेट ये वाला रहेगा डे हाई अगर क्रॉस करता है मार्केट 47,450 का, और थर्ड टारगेट जो रहेगा मार्केट का ये वाला गैप फिलिंग का 47,230 का, उसके बाद में ये मार्केट गैप फिल कर सकता है, जो कि है 47,150 या 60 का पकड़ के चल सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप ही ओपन हो जाएगा, अगर डे हाई अपना क्रॉस करता है फ्लैट ओपन होके, यहाँ पे थोड़ा सा
टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो ये वाला हमारा टारगेट हमें कल मिल सकता है, जो कि है 148,165 का। ये वाला जो है हमारे लिए अपर साइड ब्लॉक के लिए, पोजीशन के लिए ये वाला टारगेट हमें कल के लिए देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही था, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।